हाय एवरीवन, नवनीता की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विंटर स्पेशल बाजरी और मेथी के चिल्ला की बहुत ही आसान सी रेसिपी, जिसे आप ब्रेकफास्ट, लंच या फिर डिनर में खा सकते हैं और ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। चिल्ला बनाने के लिए बोल में हम लेंगे 1 कप बाजरे का आटा और इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप बेसन। ये बाइंडिंग में भी हेल्प करेगा और चिल्ले का टेस्ट भी अच्छा आएगा। और अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप बारीक कटी हुई मेथी। तो मेथी को मैंने अच्छे से साफ कर और धोकर लिया है। 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इसमें कुछ सब्जियां ऐड करेंगे, तो एक छोटे साइज की बारीक कटी हुई प्याज, 1/4 कप बारीक कटी हुई गाजर, 1 इंच ग्रेट की हुई अदरक और एक कटी हुई हरी मिर्च लेंगे। आप चाहे तो अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट भी ले सकते हैं। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून फ्रेशली कुटी हुई काली मिर्ची, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून अजवाइन लेंगे। तो अजवाइन को हम हाथ से क्रश करके डालेंगे, इससे इसका फ्लेवर और भी अच्छा आएगा। 1 टीस्पून व्हाइट सेसमे सीड यानी कि तिल लेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिए। अब इसमें 1/8 यानी कि 1/4 टीस्पून का 1/2 बेकिंग सोडा लेंगे और 1/2 कप हल्का खट्टा दही डालकर पहले इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही डालने से चिल्ला सॉफ्ट बनते हैं और टेस्ट भी अच्छा आता है, और बेकिंग सोडा की जगह आप इनो भी ले सकते हैं। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक मीडियम कंसिस्टेंसी का बैटर बनाएंगे। और इसमें सब्जियां आप अपनी पसंद की कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बीन्स, शिमला मिर्ची, पत्ता गोभी, टमाटर, जो भी आपको पसंद हो। तो ये बैटर हमारा रेडी हो गया है और ये हमें इस तरह की कंसिस्टेंसी का रखना है, ना ही ज्यादा पतला और ना ही ज्यादा थिक। और चलिए अब हम चिल्ला बनाएंगे। तो इसके लिए एक नॉनस्टिक पैन लेंगे और इस पर थोड़ा ऑयल डालकर इसे सब तरफ से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अगर आप ये लोहे के तवे पर बना रहे हैं तो ऑयल थोड़ा ज्यादा करके लगाएं। और अब इस पे थोड़ा सा बैटर डाल लेंगे और इसे फैला लेंगे। तो मैं ये पैनकेक के जैसे छोटे साइज के चिल्ले बना रही हूँ। ये देखने में भी अच्छे लगते हैं और इन्हें हैंडल करना भी आसान होता है, क्योंकि इन्हें पलटते समय ये टूटते नहीं है। पर आप चाहें तो बड़े साइज का एक चिल्ला भी बना सकते हैं। अब इसके ऊपर थोड़े से तिल स्प्रिंकल करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा क्रंची सा टेस्ट आएगा, पर ये ऑप्शनल है। और अब इसे लो मीडियम हीट पर ब्राउन होने तक सिकने देंगे। देर बाद जब ये ऊपर से हल्के ड्राई हो जाएंगे तो इसके ऊपर ऑयल स्प्रिंकल करेंगे और उसके बाद हम इन्हें पलट देंगे। तो ये नीचे की तरफ से गोल्डन कलर के हो गए हैं। अब इन्हें इसी तरह से दूसरी साइड से भी ब्राउन होने तक सेक लेंगे। तो इन्हें इसी तरह से बीच बीच में पलटते हुए दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन होने तक सेक लेंगे। चिल्ले हमारे दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे से सिक गए हैं, तो इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब सेम वे से तवा को ऑयल लगाकर ग्रीस करेंगे और उसके बाद इस पर बैटर डालकर इसे लो मीडियम हीट पर गोल्डन और क्रिस्प होने तक सेक लेंगे। और अगर आपको मेथी का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप इसकी जगह पालक भी ऐड कर सकते हैं। तो लीजिए, हमारे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी मेथी बाजरे का चिल्ला बनकर तैयार है। ये वेट लॉस के लिए एक परफेक्ट रेसिपी है। आप इसे दही या फिर अपनी पसंद की किसी भी चटनी के साथ में इंजॉय कर सकते हैं। तो सर्दियों के सीजन में आप भी बाजरे के चिल्ले की इस रेसिपी को ट्राई करें, ये आपको जरूर पसंद आएगी। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।